हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। और आज हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू गो इन। से आई गो इन, सुरेश अंदर गया, सुरेश जाके बैठ गया, इंटरव्यू पैनल बैठा है, चार पांच लोग बैठे हुए, एक बंदा पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ सुरेश, एंड आई स्टार्ट लाइक आई माई नेम इज सुरेश एंड आई एम फ्रॉम योर। वाओ, व्हाई? वी नो योर नेम इज सुरेश। That's why the question was asked in this frame, was framed in this manner. Tell me something about yourself, Suresh. Why are you saying your name to us? Just a small thing, but very important. I'll tell you major things, and we will answer this interview question, and how to answer, how to frame this question's answer is very important. We will introspect and decide that what should be the answer for me. Suno sabki, karo apne man ki. ये मैंने पहले भी बोला है, ये मैं हमेशा बोलूँगा, इसलिए अपने मन की करना इवेंचुअली मुझे लगना चाहिए। हाँ भाई, ये मेरा डिसीजन था, इसमें मेरी राय थी, अगर मेरी राय इसमें नहीं है लेकिन मैं ये कर रहा हूँ तो ये मुझे हमेशा हॉन्ट करेगा ज़िंदगी में, तो मुझे हॉन्ट नहीं होना है भाई। हमें मुझे ऐसा आंसर बनाना है, अंदर जाना है, ऐसा आंसर बनाना है जो मैं कॉन्फिडेंस से भी बोलूँ, और वो सच हो या झूठ आई डोंट केयर, बट वो सामने वाले को जो सुनना है मैं वो बोलूँ, मैं ये ना बोलूँ जो मुझे बोलना है, ठीक है, मैं आता हूँ उसके ऊपर। सो मैंने बीटेक कंप्लीट किया आईटी धनबाद से, कैट मैंने लिखा 99% सीएफए लेवल 3 मैं क्लियर कर चुका हूँ, और मैं कैट सीएफए फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्रिकेट और चेस मैं खेलता हूँ, बहुत मज़ा आता है, चेस पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं chess.com पे। एंड फिन फ्यूचर मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको देख सकते हो अगर आप फाइनेंस में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, या ये बिगिनर्स के लिए चैनल है तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई फाइनेंस में इंटरेस्ट बनता है कि नहीं। अगर आप कैट सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो 24 महीने का प्लान सबसे अच्छा है, 900 रुपये से कम लगेगा आपका, इतना खर्चा तो आप ऐसे ही कर देते हो, 10% इसको ऑफ भी मिल जाएगा, 800 रुपये से कम हो गया, नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो और क्या चाहिए यार, जाओ ना, पढ़ो ना, है रेफरल कोड यूज़ करना मेरा SURESH, एंड यू कुड बी द नेक्स्ट अमंग 99% टाइलर्स। टेल मी अबाउट योर सेल्फ नाउ। गलत आंसर देता हूँ पहले, सर माई नेम इज सुरेश एंड आई एम फ्रॉम औरंगाबाद एंड इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट 89%, and then I did IIT, and then you know I did 12th standard I got 80%, and then I did my BTech, and in BTech I took computer science. क्यों नहीं सुनना? अरे है तुम्हारा CV मेरे पास, ये सब details है मेरे पास, बस कर भाई, क्या कर रहा है, दिन भर से interview ले रहा हूँ मैं, सुबह से बैठा हूँ इंटरव्यू ले रहा हूँ यार, ये सब आके बताते रहते हैं कि क्या यार, कहाँ से हूँ, क्या पढ़ा, अरे पता है रे बाबा, समझा कि नहीं, तो क्या बोलना चाहिए? सी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ सुरेश, अगर ऐसा पूछ लिया तो हमारा नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यू कैन स्टार्ट लाइक आई एम सुरेश एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट फाइनेंस, और आई एम सुरेश एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट मार्केटिंग, एनी थिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट। आई थिंक फाइनेंस इज वेरी लॉजिकल, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इज समथिंग आई एम फैसिनेटेड बाय। आई थिंक द रिटर्न्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग ऑन डेट इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट which makes us think, yeah, return and risk go hand in hand. So see, I'm not talking about me and I'm still talking about me, because I'm talking about something which they want to listen to. Unko globe nahi sunna hai, unko sunna kya hai, unko sunna hai bhai tumhara interest kya hai, tum future mein kidhar jane wale ho. Next question is going to be why MBA? So why don't you take time and just keep on speaking? Now when I say this, जो मैंने शुरू में बोला कि आई एम फैसिनेटेड, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंस, आई एम फैसिनेटेड बाय अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स इन इट, एंड मैंने एक कॉन्सेप्ट भी नेम कर दिया और मैंने उसकी एक लाइन भी जोड़ दी साथ में। नाउ आई वॉन्ट टू डू MBA बिकॉज, सो आई एम नॉट वेटिंग फॉर देम टू आंसर द टू आस्क मी द सेकेंड क्वेश्चन। I know that they want to listen to this, that why I want to do MBA. So I want to do MBA because I just love doing equity research, and
आई हैव डन रिसर्च ऑन मारुति सुजुकी एंड L&T इन्फोटेक एंड आई कैन टर्म लाइक 3 or 4 कंपनीज एंड वॉट विल हैपन इज योर इंटरव्यू लेवल गो बियॉन्ड एनी अदर्स इंटरव्यू. So now I was sitting like this, the interviewer sits like this and was sleeping and suddenly he listened to you that you have done equity research, wow, or you have tried doing it at least. So expect a question coming on equity research now. So now what is happening? You are driving your own interview. No need to tell I am from Aurangabad. No need to tell I play chess or I play cricket. But if yes, if you want to say that, definitely you can do that. But come to the point as soon as you can. And what is the point? That I am passionate about something. Now that something could be anything. But then support it with one logic that okay, this concept from this thing which I like is amazing. Why it's amazing? Because this. It's very logical. It seems in the, you know, you can speak about different Instagram pages. You can speak about different marketing pages which are there, you know, so you can speak about anything which relates to any of the stream like finance, marketing, HR, anything else. So tell me about yourself. Mein aap apne bare mein to bol hi nahi rahe ho, ha apni likings ke bare mein bol rahe ho zarur. Aapko lagega sir main to percentage batata tha, mat bata, main to ye batata tha wo batata tha ki bachpan mein kya kiya re, mat bata, future ki baat kar. Theek hai, tell me about yourself. Sir, I am really fascinated about the blockchain technology and I can see that blockchain technology is going to disrupt the market, financial services industry like anything. So I think that the intermediaries are going to be removed and in future I would just love to, you know, I would love to contribute into this and that's the reason I want to do this course, MBA course, in which I would love to study about finance and also I would like to study about these emerging technologies like artificial intelligence, big data, and this blockchain technology, obviously. So how about it? This is not about yourself, isn't it? Is this not about yourself? You have to make an answer jo samne wale ko sunna hai. That's it, simple as that. Don't tell me about yourself, tell me what I want to listen. That's it. So koi bhi puche, tell me about yourself. आपको क्लियर रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव यह है कि इंटरव्यू क्लियर करना है. तो मैं अपने चाचा चाची फलाना ढिकाना, मेरे को क्या पसंद है, क्या खाता हूँ, क्या हॉबी है, कॉइन कलेक्ट करता हूँ, नहीं बताना है कुछ भी. लेकिन फिर भी आपको बताना है, बताओ, क्योंकि सुनो सबकी, करो अपने मन की भाई फाइनली. तो आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि भाई फ्यूचर में मैं तोप काम करने वाला हूँ, फ्यूचर में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लाए करता है इसके अंदर और MBA मुझे हेल्प करेगा ये करने के लिए. ठीक है, तो दैट कुड बी एनीथिंग गाइस. सो दैट्स द रीजन यू हैव टू टेक योर स्टोरी, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ एंड नीड नॉट टू बी ट्रू. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी स्टोरी, फिक्शन क्यों नहीं. लेकिन फिक्शन को सपोर्ट करने के लिए आई शुड हैव दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन. फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट बोला, आई वुड लव टू डू इक्विटी रिसर्च, आई हैव डन इक्विटी रिसर्च ऑन मारुति सुजुकी. नाउ दे विल डेफिनेटली आंसर मी, क्वेश्चन मी, व्हाट आर द रेवेन्यू ड्राइवर्स, व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर्स, हाउ, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड दीस थिंग्स एंड दैट दोस थिंग्स. सो अब मैं फंस गया. अगर ये पूरा फिक्शन था तो मैं फंस गया, लेकिन फिक्शन रहने दो, उसके पीछे बिल्ड करो तो देखो मजा. देखो 15-20 मिनट तुम्हें अंदर जाके मौज करानी है उनको. वो सुबह से बैठे हुए थक के आ रहे, तुम अंदर जाओ उनके मुंह पे आप स्माइल लेके आ जाओ, बस आप हो गया, आप जीत गए दिल हैं. बहुत लोग ऐसे जाते हैं कि नहीं, हम तो यार बातें बतिया लेंगे, बातें बना लेंगे, बातें बना के क्लियर कर लेंगे, और कर भी लेते कुछ लोग, बट वैसे नहीं करना है हमें. हमें प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, आप इवेंचुअली बातें बना के कर लो, प्रिपेयर करके जाओ. फ्रेम करना है, रिकॉर्ड करना है, सुनना है, सुनाना है चार लोगों को, फीडबैक लेना है, इम्प्रूव करना है, फिर से रिकॉर्ड करना है, 4-5 बार रिकॉर्ड करना है. टाइम है मेरे पास, क्यों ना इस चीज़ को यूटिलाइज करूँ. बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी फ्रेम करूँ, आंसर लिखूँ, अपना पास्ट किधर जाना है. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, माई नेम इज सुरेश. नो,
a new answer, a new version of it. I am fascinated about this. This concept is amazing. This future technology is going to be great. I am really interested in these things. MBA is going to help me learn all these things, specifically artificial intelligence, blockchain, finance, and anything you want to say. I hope you got my point. Like karo session ko aur share bhi karo logo ke saath jinko aapko lagta hai ki ye help karega. Theek hai guys, aur cat subscription lena hai to mera code zarur use karna, that is SURESH, Suresh. Thank you so much. Have a nice day. Bye.